वेलकम बैक इन रिव्यू शाइन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेट वेट ग्लोबल एडिशन परफ्यूम स्प्रे लास वेगास एंड बाली ब्लिस का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में लुक, क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टे टाइमिंग, फ्रेग्रेंस, प्राइस रेंज सभी की बात करने वाले हैं और क्या आपको ये डियो खरीदने चाहिए या नहीं और कितने हद तक ये कामयाब है समर में, तो सबकी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू विद दिस वन, दैट इज लास वेगास सेट वेट लास वेगास। तो अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, सो इट्स 120 ml एंड 98 ग्राम। बात करें अगर इसकी फ्रेग्रेंस की, सो इसमें जो नोट्स हैं वो हैं वुडी एंड एम्बर। इसका जो टॉप नोट है वो है वुडी एंड देन एम्बर। तो जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी स्मेल जो है हल्की सी हार्ड लगेगी, बट ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी और टर्न इनटू अ सॉफ्ट एंड स्वीट एम्बर नोट। तो ओवरऑल इसकी फ्रेग्रेंस कुछ इस तरीके से, जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव फील करवाने वाली और काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सभी को अच्छी लगने वाली है। बट अगर इसकी स्टे टाइमिंग की बात करें तो स्टे टाइमिंग इसकी काफ़ी कम है। आप मान के चलिए अगर आपने इसे यूज़ किया है और अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी बॉडी पे 4 to 5 hours स्टे करेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। एंड अगर आप फील्ड डे वर्क कर रहे हैं तो ये अप टू 1 hour भी नहीं है, मीन्स जस्ट 1 hour ये स्टे करेगी, उसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं जाएगी। मीन्स समर के अकॉर्डिंग ये जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर मतलब आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एट द मोमेंट कोई अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए और आपको थोड़ा फ्रेश फील करना है। स्टे टाइमिंग काफ़ी कम है तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हम इसको, बट ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बिकॉज आपको इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बस स्टे टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज ये कि सारे डियोज़ के साथ रहता ही रहता है, क्योंकि इनकी स्टे टाइमिंग ज़्यादा नहीं रहती और जिस रेंज में ये है तो उस रेंज में तो आपको स्टे टाइमिंग इससे ज़्यादा मिलेगी भी नहीं। तो अगर आप इस रेंज में कोई डियो ट्राई करना चाह रहे हैं, सो गो फॉर इट, यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट वन इज सेट विद बाली ब्लिस। तो इसकी जो बॉटल है काफ़ी प्रेटी है, कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी प्यारा है। तो अगर बात करें इसकी क्वान्टिटी, तो सेम क्वान्टिटी है इसकी भी, डैट इज़ 120 ml और 98 ग्राम। अब अगर बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो आपको जो इसमें टॉप नोट मिलने वाला है वो है सिट्रस एंड सेकंड इज मस्क। तो सिट्रस एंड मस्क का कॉम्बो है इसमें। इस डियो की जो फ्रेग्रेंस है वो पार्टी ओकेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, पार्टी और कॉलेज दोनों के लिए बेस्ट है। तो आप इसे फॉर्मल और कैजुअल दोनों टाइप के ओकेशन में ईजी यूज़ कर सकते हैं और आपको ये काफ़ी पसंद आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील देने वाली इसकी फ्रेग्रेंस है। नाउ अगर बात करें इसकी स्टे टाइमिंग की, तो अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं और या फिर एसी रूम में वर्क कर रहे हैं तो इसकी जो टाइमिंग है वो काफ़ी सही है। मान के चलिए भाई आपकी टाइमिंग रहेगी 5 to 6 hours, बट अगर आप इसको फील्ड एरिया में यूज़ करना चाह रहे हैं तो फील्ड एरिया में इसकी स्टे टाइमिंग काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, स्पेशली इन समर। तो वही रहेगी 2 hours है, उसके ऊपर इसकी स्टे टाइमिंग नहीं है। तो अगर आपको ये डियो यूज़ करना है तो फ्रेग्रेंस के लिए तो काफ़ी अच्छा है, स्टे टाइमिंग भी ठीक है इस रेंज में, तो यू शुड गो फॉर इट। बट ये रहता है ना कि कुछ लोगों को कुछ एक स्मेल पसंद आती है बट कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्मेल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है स्टार्टिंग। ऐसा रहता है कि कुछ लोगों को हार्ड स्मेल पसंद रहती है तो कुछ लोगों को लाइट स्मेल पसंद रहती है। तो जिनको हार्ड थोड़ी सी पसंद है उनके लिए डियो काफ़ी बेस्ट है, बाली ब्लिस इज़ बेस्ट। बट जिनको थोड़ी सी सॉफ्ट और स्वीट सी स्मेल पसंद है तो देन उनके लिए लास वेगास इज़ बेस्ट। उनको लास वेगास यूज़ करके देखना चाहिए, डेफिनेटली पसंद आएगा। अब अगर बात करें इनके प्राइस रेंज की, तो इसमें जो रिटर्न प्राइस है वो है 250 rupees पर पीस। मीन्स अगर आप सिंगल डियो खरीदते हैं तो ये आपको 250 rupees का मिलेगा, मीन्स दोनों मिलेंगे 500 rupees के। बट अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं देन आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा जस्ट इन रुपीज़ 230 to 250 के बीच में। तो अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। अगर बात करें कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो फ्रेग्रेंस के मामले में सेट वेट लास वेगास इज़ गुड, बट अगर स्टे टाइमिंग की बात करें तो स्टे टाइमिंग बाली ब्लिस की अच्छी है। तो ओवरऑल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, बट अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं सेट वेट बाली ब्लिस को दूंगी 3.5 out of 5 एंड लास वेगास को दूंगी 3 out of 5, बिकॉज इन दोनों में ही प्रॉब्लम आती है, स्टे टाइमिंग की। दूसरी फ्रेग्रेंस एक की हार्ड है तो एक की थोड़ी सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन है, बट अच्छा है, आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी और वीडियो के लिए रिव्यू चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।